फोन में आजकल चार्जर्स क्यों नहीं आ रहे? कैसे जानवर आपके फोन का फिंगरप्रिंट लॉक खोल सकता है? क्यों इस जगह पर कंप्यूटर से गड्ढे भरे जाते हैं और सर पे ऐसे मच्छर क्यों मंडराते हैं? पूरा वीडियो गजब का होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। नंबर 16, गौतम गंभीर के शरीर के सारे ऑर्गन्स को निकाल लिया जाएगा क्योंकि ये इंडिया के सबसे पहले क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी को डोनेट कर दिया है। यानी उनके मरने के बाद उनका जो भी अंग सही तरीके से काम करेगा उसे निकालकर जरूरतमंद की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। नंबर 15, कोआला आपके फोन के फिंगरप्रिंट को खोल सकता है। जो कोआला होते हैं उनकी उंगली बिल्कुल किसी इंसान के प्रिंट जैसी ही होती है, जिसकी वजह से अगर आप कभी भी कोआले के फिंगरप्रिंट को देखोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कि इंसान के है। नंबर 14, नाइक का जो सबसे पहला सोल था वो किचन में बनाया गया था, उसे विपुल में करके ऊपर बनाया गया। शूज की जो सोल होती है उसे डिजाइन और ग्रिप देने के लिए इसका यूज किया गया था, और जो वो सोल है उसे आज भी बनाया जाता है लेकिन विपुल मेकर पर नहीं, और जिस विपुल मेकर का तब इस्तेमाल किया गया था वो अभी भी उनके पास है। नंबर 13, बच्चों को किस करने से वो बहरे हो सकते हैं? दरअसल बच्चों के कान बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, उनके कान के एयरड्रम और भी ज्यादा नाजुक है, इसलिए कान पे किस करने से उनका एयरड्रम डैमेज हो सकता है। नंबर 12, यहाँ पर कंप्यूटर से गड्ढे भरे जाते हैं, ये अफ्रीका में है। पूरी दुनिया का जो लाखों टन इलेक्ट्रिक कचरा है उसे अफ्रीका में जाकर फेंक दिया जाता है, उसके बदले अमीर देशों द्वारा अफ्रीका जैसे गरीब देशों में चंद पैसे दिए जाते हैं, और अफ्रीका के पास भी कोई चारा नहीं है इसलिए वो ऐसा करने देते हैं। नंबर 11, जो लोग दूर का चश्मा पहनते हैं वो शैतान की पूजा करते हैं, ऐसा लोगों को लगता था। जब दूर का चश्मा 15 सेंचुरी में आया तो उस वक्त इनको किसी मैजिकल पावर की तरह देखा जाता था, और इस वक्त लोगों के पास मैजिकल पावर बस एक ही जगह से आती थी और वह शैतान की पूजा करके। नंबर 10, दुनिया का सबसे पहला अलार्म बस 4 बजे सबको उठा सकता था। 1987 में लैबरी रिचेंज ने सिर्फ अपने लिए एक अलार्म क्लॉक बनाई थी, न कि कोई कमर्शियल यूज के लिए, इसलिए सुबह के 4 बजे बजता था क्योंकि लैबरी को सुबह उठकर जॉब पर जाना पड़ता था। नंबर 9, आप एक शार्क को भी खा सकते हो, भले आज आप शिकार नहीं करते और ना ही कच्चा मांस खाते हो, लेकिन इसके बाद भी हमारे दांत शार्क मछली जितने पावरफुल होते हैं, बस फर्क यह है कि उनके दांत नुकीले होते हैं और हमारे फ्लैट। नंबर 8, एक आंख के लिए लोग 6 से 7 लाख रुपए देने को तैयार है। वैसे तो आंख जैसे ऑर्गन्स को खरीदना और बेचना इलीगल है लगभग हर एक कंट्री में, लेकिन ब्लैक मार्केट में सब कुछ मिलता है और ब्लैक मार्केट में लोग आंख को $1500 से $10,000 में बेचते हैं। नंबर 7, बचपन से जो आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो ये एक मजाक है। यहाँ पे अफ्रीका और ग्रीनलैंड है, उनका साइज बिल्कुल सिमिलर दिखाया गया है, असलियत में ग्रीनलैंड अफ्रीका से 14 गुना छोटा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें गलत मैप क्यों दिखाया जाता है, तो हमारी अर्थ सर्कल है और ये मैप स्क्वायर, और इसलिए हर एक देश सही तरीके से एक ही मैप में आ जाए, इसलिए ऐसा होता है। नंबर 6, इस फोटो को देखो, ये काफी इमोशनल है। 87 साल का चाइना के वुहान में एक पेशेंट है जो कि सालों से हॉस्पिटल के बाहर नहीं निकला, लेकिन जब बाली में से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था तब जाने के वक्त डॉक्टर ने सनसेट दिखाने के लिए रुक गए। हमें इसमें पेशेंट की शक्ल तो नहीं दिख रही लेकिन गारंटी से बहुत खुश हुआ होगा। नंबर 5, अब एक बार इस वीडियो को देखो, इसमें कोमाडो ड्रैगन एक टर्टल का शिकार करता है और उसे मारने के बाद उसके शरीर को बिल्कुल किसी हेलमेट की तरह पहनता है। ये वीडियो बहुत पुराना है लेकिन अब भी ये बहुत वायरल हो रहा है। नंबर 4, ये काफी फनी चीज है, अगर आप किसी की कंडीशन का मजाक उड़ाओगे तो आपको भी वही याद होगा, लेकिन ये कहावत बिल्कुल फेक निकली। अगर रियल होती तो ऐसा तो बिल गेट्स का भी मजाक बना था और मैं तो मिस्टर बीस्ट का मजाक बनाकर कब का 100 मिलियन सब्सक्राइबर पार कर चुका होता। बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। नंबर 3, अगर आपको अभी भी एक टूटी हुई दीवार दिख रही है तो आप अपनी आंखों को साफ करो और एक बार फिर ध्यान से देखो, क्योंकि ये कोई टूटी हुई दीवार नहीं है बल्कि एक 3D पेंटिंग है जो कि बहुत ज्यादा कमाल के आर्टिस्ट जॉन बग द्वारा बनाई गई है। नंबर 2, आपने देखा होगा कि आजकल ऐसे कई सारे फोन्स हैं जो कि अपने फोन के साथ चार्जिंग केबल देना बंद कर दिए है, और ये छोटे मोटे ब्रांड नहीं बल्कि बड़े बड़े ब्रांड है जैसे कि एप्पल, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका सिंपल सा कारण है अपने बजट को कम करने के लिए। आजकल बजट बढ़ रहा है जिस वजह से फोन महंगे हो रहे हैं, लेकिन कंपनी अपने फोन को उसी रेंज में बेचना चाहती है इसलिए वो चार्जर्स को निकाल रहे हैं। अब आपको तो नुकसान होता है लेकिन आपके लिए फोन महंगा नहीं होता, जिससे आपको ऐसा लगता है कि फोन का प्राइस नहीं बढ़ा है और फोन वालों का प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ जाता है। नंबर 1, मच्छर सर पर क्यों मंडराते हैं? हो सकता है आपने इसके बारे में सोचा होगा, कई लोगों को लगता है कि ये ऑयल की वजह से होता है लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी से एक खास तरह की स्मेल निकलती है स्वेट के जरिए जो कि मच्छरों को अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हमारे सर पर बाल होते हैं, जिस वजह से जो हमारे सर से पसीना निकलता है वो ढंग से सूख नहीं पाता और
और इसलिए मच्छर जो है वो हमारे बाल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब आप कुछ एक्सरसाइज या फिर गर्म जगह से बाहर आते हो तो मच्छर आपके सर पर ज्यादा मंडराते हैं। आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट्स हैं। हाल ही में आपने काफी इंटरेस्टिंग चीज मिस कर दी है, वो एस्टेरॉयड एक्सप्लोजन हाल ही में अमेरिका में देखा गया था। और ये काफी फनी फैक्ट है कि जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है इसका खुद का ही एक रिकॉर्ड है और वो है सबसे ज्यादा बार चोरी होने का। लाइब्रेरीज में सबसे ज्यादा यही बुक चोरी होती है। और आपको शायद पता चल ही गया होगा कि हाल ही में दुनिया के सबसे डर्टिस्ट मैन की डेथ हो गई है। इन्होंने 60 साल से नहीं नहाया था और मन से कुछ दिन पहले इन्होंने एक बार नहाया। इस वीडियो में मैं एम करता हूँ 10,000 लाइक्स का। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।